थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक अच्छे से पढ़ लिया है, आज इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर आप इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट में एक बार बता देता हूं, जिससे आप एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी सिस्टम को क्यू हीट दी जाए और इसके ऊपर डब्ल्यू वर्क कर दिया जाए, तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज डब्ल्यू यू जो होता है किए गए वर्क और दी गई हीट के सम के बराबर होता है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूला का यूज जो है कैसे किया जा सकता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, उनकी बात करते हैं। तो देखो, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, जनरेट होती है, साथ में ही मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो हीट है वो भी इवॉल्व होती है। मतलब बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनमें हीट भी जनरेट होती है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें गैस भी इवॉल्व होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास हीट जनरेट हो रही है या फिर जो गैस जनरेट हो रही है, इनको इंटरनल एनर्जी के साथ में क्वांटिफाई करना या फिर कोरिलेट करना वो इंपॉर्टेंट है, तभी हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्यू है और डब्ल्यू है। तो क्यू जो है मतलब हीट जो दी जा रही है वो तो हम देंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट चीज जो एक आती है वो है डब्ल्यू, वर्क डन। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उससे वर्क डन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वर्क डन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क इस सिस्टम कैन डू। तो एक सिस्टम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बीकर में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये केमिकल रिएक्शन है इसको ही हम सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम जो है वो वर्क डन सिस्टम कैसे कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस वर्क डन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वर्क को बोलते हैं पीवी वर्क और एक को बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क का मतलब है ऐसा वर्क जो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम में चेंज की वजह से जो वर्क किया जाता है उसको हम बोलते हैं पीवी वर्क, और जो वॉल्यूम में चेंज इसेंशियल नहीं होता उसकी वजह से जो चेंज होता है उसको बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पीवी वर्क। पीवी वर्क जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। दोनों जो टर्म है बहुत सिंपल सी टर्म है, आप जानते हैं इरिवर्सिबल का मतलब है जो एक ही डायरेक्शन में होता है और रिवर्सिबल का मतलब है जो दोनों डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहां पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो वर्क है उनकी कैलकुलेशंस और उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं और उनके फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो यह समझना है कि कहां पे कौन सी जगह पे इरिवर्सिबल वर्क हो रहा है और कौन सी जगह पे रिवर्सिबल वर्क हो रहा है, इसको बहुत जरूरी है समझना। देखो, इरिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या है यहां पे समझिएगा। देखो, इरिवर्सिबल वर्क का मतलब है कि सपोज कोई सिस्टम है, जैसे यहां पे ये पिस्टन बना दिया हुआ है, इस पिस्टन को मैं सीधा करके बता देता हूं। पिस्टन कुछ नहीं है, आपने सिरिंज देखी है ना, सिरिंज का जो आगे वाला पार्ट जो होता है उसको क्लोज कर दिया, ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये एक पिस्टन है, ठीक है। तो यहां पर यह एक पिस्टन सिस्टम बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवानी है, सपोज ध्यान से समझना इस बात को, है ना। अब इरिवर्सिबल कब होगा और रिवर्सिबल पीवी वर्क कब होगा इसकी बात करते हैं। अगर आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पी एक्सटर्नल लगाया, और एक ही स्टेप में इसके ऊपर जितना वर्क करना था, मतलब एक ही स्टेप में जैसे इसका वॉल्यूम का चेंज करना था, इसको प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, या फिर अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करना था तो कम किया, तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। मैं एक केस को लेकर चल रहा हूं कि अंदर की तरफ ये मूव किया सपोज। तो एक यहां से ए स्टेज से बी स्टेज तक एक ही स्टेप में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, या फिर डेफिनेट स्टेप में हुआ, मतलब एक या दो स्टेप में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, तो ऐसा जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल वर्क। मतलब यहां पे एकदम से वर्क हो गया, जैसे आप सिंपल सा ऐसे समझ भी सकते हो, आप अगर एक पॉइंट से और बी पॉइंट पे हैं, है ना, और ये बीच में ए और बी जो हैं इनके बीच में बहुत बड़ा क्या है, गैप है, एक बीच में सपोज रिवर ही है बीच में, सपोज ये क्या है इनके बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या है, रिवर है। अब आपको ए से बी तक पहुंचना है तो आपको एक साथ ए से बी तक जाने के लिए एक साथ छलांग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में पहुंच गए और बीच में पहुंचने के बाद में आप सोचें कि यहाँ पे आ जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो एक ही स्टेप में वर्क होता है, एक ही स्टेप में जो भी वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है।
वही रिवर्सिबल वर्क का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ रिवर्स इसमें से जाना है, अब रिवर के ऊपर छलांग मार के आपके पास यहाँ पे एक पुल है, सपोज इसके ए और बी के बीच में क्या है, रिवर के ऊपर एक पुल है। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ए से और बी तक पहुँच रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके क्या कर रहे हैं, ए से बी तक पहुँच रहे हैं। मतलब मल्टीपल स्टेप्स में, इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर ए से बी पे पहुँच रहे हैं तो ये क्या है, इरिवर्सिबल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो यहां से ए वन पॉइंट से आप टू पॉइंट पे पहुंचे, वन से आप टू पे गए, ध्यान से देखना इस बात को, वन से टू पे गए, आपने बहुत छोटा सा स्टेप लिया, अब टू से वन पे आराम से आ सकते हो, नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार पीछे पर जा सकता है। इसी तरह से टू से थर्ड नंबर के स्टेप पे गए, तो टू से थर्ड पे गए तो थ्री से अगेन कहाँ वापस आ सकते हो, टू पे आ सकते हो। तो इस तरह के जब इनफाइनाइट स्टेप्स में कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल वर्क। उसमें जो वर्क डन जो होता है वो इररिवर्सिबल वर्क डन होता है। बेसिक आइडिया आपको हो गया। अभी इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे आपको एक जनरल एग्जाम्पल दिया है, इसी को हम यहाँ पे पिस्टन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे चल के मैं बताऊंगा, जब इररिवर्सिबल वर्क का, इररिवर्सिबल पीवी वर्क को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसे मानी जाती है। अभी पहले हम बात करते हैं कि जो इररिवर्सिबल वर्क है उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी कि जैसे इसी एग्जांपल से समझो, ए से बी में जब जाओगे तो जितना आपके पास जोर है वो एकदम से लगाओगे, पूरा का पूरा जोर लगाओगे, यानी कि एक कॉन्स्टेंट आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम यहाँ पे किसी सिस्टम के ऊपर अगर इररिवर्सिबल वर्क करा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो एक साथ लगाना पड़ेगा, यानी कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, ध्यान से समझना, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो कैसा रहेगा, आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, चाहे तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। डेरिवेशन की बात करते हैं। वही जो पिस्टन वाला सिस्टम है वो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो जैसा बताया कि इसमें पी एक्सटर्नल, मतलब बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है, ये पिस्टन जो है, ध्यान से समझना, ये पिस्टन जो है वो इतना दब गया, पहले यहाँ था और बाद में कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। क्लियर है, पहले यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है जी, समझ में आया। अब अगर इस पिस्टन का ये वाला जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है, वो सपोज ए है, और जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उसका लेंथ सपोज कितना है, एल है, तो आप इस इन दोनों की हेल्प से जो ये वाला वॉल्यूम आया है, ये वाला जो वॉल्यूम है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो है वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर का, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इंटू एल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम में चेंज है वो किसके बराबर होगा, ए इंटू एल, ये एरिया है, और एरिया इंटू ये जो लेंथ जो डिस्प्लेस हुई है वो उसके बराबर आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रेशर हमारे पास पी एक्सटर्नल है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब ये प्रेशर हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस एरिया के ऊपर ये पूरा का पूरा प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है आपका, वर्क डन। तो यहाँ पे हम वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, पी इंटू ए, ये पी इंटू ए जो होगा फोर्स की वैल्यू आ गई, तो इसी वैल्यू को हमने क्या किया, डब्ल्यू इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पी इंटू ए, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितनी चेंज हो रही है, ये वाली डिस्टेंस ही चेंज हो रही है, इंटू एल। ए इंटू एल मैंने आपको अभी बताया था, ए इंटू एल क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, पी जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो हम डब्ल्यू इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये तो आ गया आपका फोर्स, सॉरी वर्क डन इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहां पे एक चीज और समझना, यहां पे हम प्रेशर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम वर्क डन, ध्यान से समझना इसको, वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम है। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम है। अच्छा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पहले वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था,
इतना वॉल्यूम था पहले, ये वाला वॉल्यूम था, और अब बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया, यानी कि वी फाइनल सॉरी वी इनिशियल जो था ये था, और वी फाइनल कितना हुआ, कम हो गया, यानी कि वी फाइनल और वी इनिशियल, ये पहले वाला जो था ये वाला वी इनिशियल था और ये जो है वो वी फाइनल हो गया, यानी कि अगर हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना इस बात को, नेगेटिव वैल्यू आएगी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अगर हम करते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू छोटी है, कम है, और ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, वर्क डन ऑन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क होता है तो वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो भी केमिस्ट्री में पॉजिटिव ली जाती है, अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो नेगेटिव होता है, और सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज करता है तो वो भी एनर्जी या हीट जो होती है उसको नेगेटिव में लेते हैं, तो ये वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ इस केस में देखेंगे तो ये वर्क डन जो है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आ जाएगा। अब लेकिन ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, वर्क डन ऑन सिस्टम है, इसीलिए एक नेगेटिव साइन हम यहां पे और अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव साइन जो है वो हम किस लिए कर रहे हैं, जो आईयूपीएसी ने जो साइन कन्वेंशंस दिए हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल सिस्टम जो होता है केमिस्ट्री में, आप वैल्यू कैसे लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो माइनस की वैल्यू जो है वो आईयूपीएसी जो सिस्टम, आईयूपीएसी जो साइन कन्वेंशंस दिए थे वर्क और जो हीट के लिए, उसको मैच करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाया है, तो जब भी आप यूज़ करेंगे तो इस तरह से यूज़ कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाता है, जब पीवी वर्क किया जाता है तो इसके पीवी वर्क में जो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा वो ही क्या होगा, वर्क डन। अगर इस तरह से ग्राफ दे दिया जाए तो W इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, W वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में, बाकी ये फॉर्मूला आपको हर जगह पे काम आएगा, लेकिन ध्यान रखना है ये कब है, जब इरिवर्सिबल वर्क है। इरिवर्सिबल वर्क कैसे पहचानोगे, इरिवर्सिबल वर्क कैसे पहचानोगे कि जो पी एक्सटर्नल वैल्यू है, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल वर्क की, इरिवर्सिबल वर्क की, द इफ़ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है, बट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस सच एज सच दैट इट इज ऑलवेज इनडेफिनेटली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। ध्यान से समझना इस बात को, दोबारा से मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये वाला एक पिस्टन था और इस पिस्टन पे हमने क्या किया, ये पिस्टन था, इस तरह का पिस्टन था। अब इस पिस्टन के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं। अब प्रेशर जो है ये जो है बहुत स्लो कर रहे हैं, मतलब ये स्लो कर रहे हैं ना, स्लो कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो ये अंदर वाला जो प्रेशर है उसको हम बोल रहे हैं पी इन, और बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम बात करें, स्लो प्रोसेस करना है, अगर हमें फास्ट करना है एकदम से यहाँ पे एक ही स्टेप में या कुछ डेफिनेट स्टेप्स में ही अगर हमें ये फाइनल तक पहुँचाना था, ए से बी तक पहुँचाना था, तब तो हमें प्रेशर कांस्टेंट करना था और उस प्रेशर की वैल्यू जो है पी इंटरनल प्रेशर से कई काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे जो केस है वो क्या है कि भाई बहुत सारे स्टेप में करवाया जाए, पी एक्सटर्नल जो है वो स्लाइटली ग्रेटर हो, थोड़ा सा चेंज करना है ना हमें, यहाँ से थोड़ा सा, इतना सा हमें डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, पी एक्सटर्नल जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होगा पी इंटरनल के। अब कितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू अगर हम बात करें, ऐसा बोल सकते हैं, इसको ही हम बोलें कि बहुत स्लो प्रोसेस कराना है, तो हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा पी इंटरनल प्लस डी पी, ऐसे बोल सकते हैं, और डी पी की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है, वेरी लेस, बहुत कम वैल्यू है। तो ये क्या है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे नीचे आया तो ये तुरंत चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी चला जाएगा, तो ये क्या रहेगा, एक तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा,
इनफाइनाइट स्टेप्स में, ऐसे बोलते हैं कि इनफाइनाइट स्टेप्स में ये क्या करेगा, फाइनल जो है, फाइनल जैसे यहां तक पहुंचना है ए से बी में, इनफाइनाइट स्टेप्स में ये चीज पहुंचेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे दूसरी बात ये भी समझो, दूसरी बात ये भी समझो कि यहां पे जो वॉल्यूम में चेंज है, डीवी जो है, वॉल्यूम में चेंज जो आएगा वो भी बहुत स्मॉल आएगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो उसमें स्लाइटली, वो स्लाइटली ज्यादा है पी इंटरनल, यानी कि पी इंटरनल को आप पी गैस भी बोल सकते हो, गैस का जो प्रेशर है उससे स्लाइटली ही ज्यादा है, तो यहां पे जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो भी स्लाइटली ही होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो पी एक्सटर्नल होगा वो पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा, ये रहा पी इन प्लस डीपी, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल माइनस डीपी। अच्छा, माइनस डीपी कब होगा, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, मतलब इस सिस्टम वर्क करे, तो सिस्टम वर्क करेगा तो इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो क्या हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो सकता है, ध्यान से समझना इसको, पी एक्सटर्नल जो होगा वो स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, है ना, स्लाइटली कम हो जाएगा अगर सिस्टम वर्क करे, मतलब ये एक्सपेंड करे तब। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल यानी कि पी गैस प्लस माइनस डीपी हो सकता है। हम एक ही केस लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे कंप्रेशन का केस ले रहे हैं कि इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, अभी हम एक केस ही लेके चलेंगे, दोनों के साथ एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं एक ये वाला ही केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू पी गैस से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सिस्टम वर्क करेगा तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू स्लाइटली कम होगी। ठीक है, चलिए जी इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें काफी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई दी हैं वो ही हैं, एक आध बात नई भी है इसमें, देखना। ए प्रोसेस और चेंज इज सेट टू बी इरिवर्सिबल इफ ए चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स बाई एन इनफाइनाइटिसिमली चेंजेस। मतलब बहुत सारे स्टेप्स में चेंज हो रहा है पहली बात तो, और इसको किसी भी स्टेप पे क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, तो ऐसे चेंज को ये हम क्या बोलेंगे, सॉरी रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। ए रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनडेफिनेटली स्लोली बाय सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट सच दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन नियरली इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देखना ध्यान से इस बात को समझना, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कैसे रहेंगे, कि ये इतने स्लो स्टेप में हो रहा है कि ये मैंने अभी बताया था ना कि ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर तुरंत थोड़े से ऊपर भी चला जाएगा, तो स्लाइटली ओवरऑल क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंज आपको दिख भी रहा होगा, बहुत छोटा सा चेंज, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत छोटा चेंज। तो छोटे छोटे से चेंज जो होते हैं वो क्या आते हैं, तुरंत इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है। तो इतने सारे इनफाइनाइट स्टेप्स में ये इतना स्लोली प्रोसेस हो रहा है कि ये जो है वो क्या रहेंगे, जितने भी प्रोसेस रहेंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ में कैसे रहेंगे, आपके लगभग इक्विलिब्रियम, नियरली इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें इतने छोटे 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 से स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रहा है कि ये जो है हर एक पॉइंट पे, अब ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। चलिए जी आगे बात करते हैं ना, अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। खैर समझ में आ गया, ये सिंपल सा जो डिफरेंस है वो है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, बहुत स्लो होता है, जबकि रिवर्सिबल सिस्टम जो होता है उसमें एक ही स्टेप में होता है या फिर कुछ फाइनाइट स्टेप्स में होता है और फास्ट होता है। दो चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात है यहां की कैलकुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से कुछ फॉर्मूला आएंगे, वो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। देखना, इन केमिस्ट्री वी फेस प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इफ वी रिलेट द वर्क टर्म टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे इंटरनल सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम जो है उसको इंटरनल सिस्टम से अगर कोरिलेट कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, मतलब हम आराम से उनको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में मैंने आपको बताया था, पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल में क्या होता है, अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो पी इंटरनल प्लस
डी पी होगा, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो पी इंटरनल माइनस डी पी होगा। तो हम इसको और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल लिख सकते हैं, पी इंटरनल, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पी गैस भी लिख सकते हैं, जो गैस का प्रेशर है वो लिख सकते हैं, यानी कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू हम पी गैस या पी इंटरनल लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। अब वही चीज़ करते हैं जो हमने पहले बात की थी कि अगर वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डी वी, जो हम पहले बात कर चुके हैं ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक स्टेप के लिए है और ये बहुत छोटा स्टेप है। तो अगर हमें क्या करना है, जो इस ये देखना, यहाँ से वॉल्यूम जो है, सपोज यहाँ V1 से, ये सपोज V1 था यहाँ पे वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में था, और फाइनली यहाँ तक इसका पहुँचना है V2 तक, तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। देखो यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, वी इनिशियल से वी फाइनल तक हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए पी एक्सटर्नल की वैल्यू लिखो, पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट की एंड मल्टीप्लाई बाई डी वी किया, और ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है पी इंटरनल के। क्यों है, क्योंकि ये डी पी जो है वो बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखना, एक बार समझना कि पी इंटरनल एक ले लेता हूं मैं, प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, एक्सपेंशन की बात ना करके मैं एक कर लेता हूं, बाकी प्लस माइनस दोनों से भी कर सकते हैं, है ना। मैं अभी सिर्फ कंप्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम बाहर से प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस डी पी, सपोज मैंने ऐसे ले ली प्लस डी पी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या किया मैंने, डी वी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, पी इंटरनल मल्टीप्लाई बाई डी वी प्लस डी पी इंटू डी वी। अब डी पी बहुत छोटा है और डी वी भी बहुत छोटा है, क्योंकि प्रेशर में चेंज जो है, मतलब प्रेशर जो है वो बहुत बहुत ही कम है, और डी वी जो है वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज भी बहुत कम होगा, तो ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, वेरी स्मॉल है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल मल्टीप्लाई बाई डी वी। देखो यहाँ पर लिखा है पी इंटरनल मल्टीप्लाई बाई डी वी, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो माइनस जो है वो साइन तो बाहर निकाल दिया, ये माइनस साइन तो सिर्फ IUPAC के जो साइन कन्वेंशन है उसको मैच करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। अब पी इंटरनल जो है, पी इंटरनल क्या है, पी इंटरनल इक्वल टू पी गैस, ये जो गैस का प्रेशर है, अगर ये गैस आइडियल गैस है, अगर ये गैस कैसी है आपकी, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ पे P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल टू लिख सकते हैं एनआरटी डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकल गई गैस, तो इस P की वैल्यू जो है, P गैस या P इंटरनल जो प्रेशर है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी डिवाइडेड बाई वी, ये लिख दिया। अब यहाँ पे N, R और T, T जो है वो कांस्टेंट है, T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, यानी कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो आगे निकल जाएंगी, और इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल, ये डी वी अपॉन वी है ना, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। समझ में आया क्या ये वाली चीज, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में जो रिलेशन होता है वो आता है, अगर नेचुरल लॉग है और उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आता है 2.303 लॉग बेस 10, यही आता है। तो अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप लिख देंगे 2.303 एनआरटी लॉग लॉग बेस 10, ये वाला लॉग बेस 10 है वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल। तो ये जो है ये आया, ये वर्क डन आ गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये वर्क डन किस में है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ अभी है ये वाला। तो ये फॉर्मूला के लिए कंडीशंस क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो देखो यहाँ पे
आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो भी कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि उस सिस्टम में से ना तो कोई मोल्स निकल रहे हैं या नंबर उसमें ऐड ना उसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी होगी कांस्टेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी इनिशियल मल्टीप्लाई बाई पी इनिशियल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इनिशियल इक्वल पी फाइनल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। इनको इधर जो है वी फाइनल को इधर नीचे ले जाओ तो वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा पी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी फाइनल। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस फॉर्मूला में वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं प्रेशर इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर फाइनल। ध्यान से समझना ये फाइनल इसमें वॉल्यूम फाइनल ऊपर है और यहाँ पे प्रेशर जो है वो नीचे है फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला ये जो हैं इनको याद रखना, ये दो फॉर्मूला। तो अभी तक हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में तीन फॉर्मूलाज आ चुके हैं, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास इरिवर्सिबल वर्क का, और तीसरा जो फॉर्मूला आया है वो हमारे पास कौन सा आया है रिवर्सिबल वर्क डन का। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क डन के फॉर्मूलाज आपको याद रखने, इन फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मूला याद हो गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू -3.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। इसी तरह से यहाँ पे इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग पी फाइनल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल। क्लियर है, दो फॉर्मूला ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है ये समझना। कंप्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा हो, मतलब बाहर से हम क्या कर रहे हैं प्रेशर लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं कंप्रेशन। और एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि हम ये सिस्टम जो है इसका उल्टा बोल दें, एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो न लग के सिस्टम बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल जो है वो कम है और जो गैस की जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। नेक्स्ट वर्ड है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि भैया जो पी एक्सटर्नल है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है बाहर का जीरो हो जाए, तो ये क्या करेगा ये जो गैस है वो फ्रीली एक्सपेंड करेगी, फ्रीली एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और पी एक्सटर्नल जीरो कब हो सकता है, ये जीरो हो सकता है वैक्यूम में, यानी कि आपने क्या किया एक सिस्टम को वैक्यूम में रख दिया, वैक्यूम में रखने की वजह से वो क्या होगा फ्रीली एक्सपेंड करेगी। क्लियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्लियर है, समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 6.1 इन नंबर ऑफ वे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस। अब डिफरेंट टाइप की प्रोसेस में इसको जो 6.1 जो है वो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ही इक्वेशन है, वो क्या है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जो इक्वेशन है 6.1 में देखना ये वाली इक्वेशन है, तो इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है लेट सब्स्टिट्यूट डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी इन इक्वेशन 6.1, तो यहाँ पे यही है अगर इरिवर्सिबल वर्क है तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो क्यू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो डेल्टा वी जो है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा क्यू के बराबर होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा वी की डेल्टा वी जो है ये सॉरी पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है इन इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बी। देखना यार दोनों चीज़ें यहाँ पे दोनों मिक्स करके दे रखी हैं, इस चीज़ को समझना, ये जो प्रोसेस है ये वाली प्रोसेस है ना इसमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो हो मतलब ये वैक्यूम में हो तब भी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा क्यू होगा, या फिर यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम में वॉल्यूम के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो भी किसके बराबर होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज, मतलब इसको ऐसे समझो यहाँ पे इसी डायग्राम से समझ लो, मैं दोबारा से एक बार बनाता हूँ कि अगर आपने क्या किया कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम इतना करना है, अब इसको जितनी भी हीट दी जा रही है या इसके अंदर से जो हीट निकल रही है वो किसके बराबर होगी, जो हीट है हीट ट्रांसफर जो भी है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी, इस सिस्टम के अंदर से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा यू वो किसके बराबर होगी
कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जाने वाली या ली जाने वाली हीट के बराबर होगी। यहाँ पे प्लस क्यू लिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर हीट जो दी जा रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में डायरेक्ट चेंज करेगी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो दी जाने वाली हीट के बराबर होगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बी इन क्यू बी डिनोट दैट हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत मिक्स करके लिखी हैं, एक साथ ही कई सारी चीज़ें लिखने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में, इसीलिए कई बार समझ में नहीं आता। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ तक अलग पार्ट है, फिर इसके बाद में यहाँ तक तो हमने पी इक्वल टू पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो वाला पार्ट किया, अब यहाँ पे हम बोले हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो पे ये होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सिस्टम को हीट दी जाती है वो इसमें उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी चीज एक और यहां पे ही मैं बता देता हूं, अगर यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, क्यूपी, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है वो इसकी एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है। ये भी आगे अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये दो चीज़ें याद रहेंगी तो क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। कौन सी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब हीट दी जाती है तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है, क्यू वी बोल दिया, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब इस सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो डेल्टा एच के बराबर होती है, जिसको आप क्यू पी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज बार बार काम आएगी आगे, तो इसको याद रखना। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर फ्री एक्सपेंशन अलग चीज है, यहां पे मैं पी एक्सटर्नल को जीरो बोल रहा हूं, यहां पे मैं पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट बोल रहा हूं। कांस्टेंट और जीरो में डिफरेंस है, कांस्टेंट होगा तो बाहर, जैसे ओपन अगर आपने बीकर रख दिया, बीकर को ओपन कर दिया, जैसे ये बीकर है तो बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, वो कितना लग रहा है, 1 एटमोस्फेयर, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। लेकिन पी एक्सटर्नल जीरो करने का मतलब है वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस है। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया गया, इन दो चीज को आप याद रखना। कई सारी चीजें हैं इसमें, वैसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वही है, है ना। अभी तक हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं और 2 ये इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं। आगे चलते हैं, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस। एक आइडियल गैस का आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब जहां पे टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, और फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल जो है वो कैसा हो, जीरो हो। इस केस में फॉर आइसोथर्मल टी इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा डब्ल्यू जीरो, देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, जो अभी हमने बात की। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो रखो, जीरो मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा वी, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है, ऑल्सो जूल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली दैट क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा यू भी क्या होगा इसमें, जीरो होगा। क्लियर, समझ में आया क्या आपको। चलिए, क्यों यहाँ पे इसमें आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन में जीरो क्यों होगा, देखो इसको ये फटाफट इसमें शॉर्ट में लिख दिया जाता है, माना जाता है कि आपको समझ में आ जाता है। देखना कैसे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमने जो है फ्री एक्सपेंशन में W की वैल्यू कितनी बोल दी, जीरो। अब Q जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि इसमें जो Q है मतलब हीट जो है वो भी क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट भी क्या होगी, हीट भी कोई दी नहीं जा रही होगी ना ली जा रही होगी, अगर हीट ही दी या ली जाती तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो Q की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो Q की वैल्यू भी जीरो, W की वैल्यू भी जीरो, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, जीरो। यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी। आगे देखिए इक्वेशन 6.1 ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, कैन बी एक्सप्रेस फॉर द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंजेस एज फॉलोज। देखना एक चीज समझना, यहाँ पे आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर जो होगा उसमें कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कब रहेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये कोई सिस्टम है और सिस्टम जो है ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर क्या है, वर्क किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा, जब जितना भी इसके ऊपर वर्क किया जाए उस
उस वर्क की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो या जो उसकी हीट हो वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, या फिर इस ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये जो एनर्जी इसमें इसकी लॉस होगी वो एनर्जी क्या ले ले, सराउंडिंग से ले ले। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होगा वो कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो भी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। तो आइसोथर्मल के लिए आप यह एक चीज़ याद रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रखना है तो हीट जितनी वर्क करने से, इसके ऊपर वर्क करने से जितनी हीट इसकी बढ़ेगी उतनी ही हीट क्या करेगा, ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को दे देगा। अगर एक्सपेंशन होगा तो इस इंटरनल एनर्जी की हीट जो है, जैसे टेम्परेचर कम होने लगेगा तो ये सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जो है वो जीरो होता है, और इस फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू इक्वल टू जीरो रखो तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये वाली वैल्यू जीरो कर दी तो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब डब्ल्यू जो है अगर इरिवर्सिबल वर्क के लिए बात करते हैं तो डब्ल्यू क्या आता है, डब्ल्यू की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, माइनस, तो ये इसका आ गया माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डी बी। ये आ गया, ये हीट एक्सचेंज जो होगी वो कितने अमाउंट में होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई ये वाला पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डेल्टा भी। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हीट कितना एक्सचेंज होगा, वही यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये एन आर टी नेचुरल लॉग वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.303, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, या इसके वर्क डन में भी माइनस था तो यहाँ पे कितना लिख सकते हो 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 बी फाइनल डिवाइडेड बाय बी इनिशियल। क्लियर है, अच्छा ये लिखा हुआ भी है। चलिए आगे बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ में, यानी कि क्यू जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। अगेन इसी फॉर्मूला में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, ये भी आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन है, तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रही हैं। इसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे। तो इनको एक बार ट्राई कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट कीजिए, इनके भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए जी, ये तो अब बात हुई आपकी इंटरनल एनर्जी की, बात हो गई वर्क डन की, बात हो गई। अब एक पैरामीटर और आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी कि एच, एंथैल्पी को एक्सप्लेन एक्सप्रेस करते हैं एच से। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या होती है, मैंने थोड़ा सा हिंट तो आपको पहले भी दिया था, पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे पहले तो सिर्फ पहले वाली चीज़ें ही लिख रही हैं कि भाई जो इंटरनल एनर्जी जो में चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर दी जाने वाली हीट के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया है, अब हमें बात करनी है एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी क्या होती है, देखो हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है एक बीकर में, अब इसमें हीट या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, दो ही चीज़ें हैं। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, ओपन बीकर में ये हो रहा है। ओपन बीकर का मतलब ही, ओपन बीकर है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रेशर इसका क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट में चेंज, जो हीट दी जाती है या फिर हीट ली जाती है, हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम या हीट गिवन बाय सिस्टम टू सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंट्रोपी, इज
इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। तो इसकी एंट्रोपी जो वर्ड है, एंट्रोपी का मतलब समझ में आया, सॉरी एंट्रोपी नहीं, एंट्रोपी गलत बोल दिया, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है, क्लियर है, समझ में आया। तो एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी, जैसे डेल्टा यू इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, क्यू वी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दी जाने वाली हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दी जाने वाली हीट जो होती है वो एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है। पहला इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात हो गई चेंज की। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है यानी कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को बाहर लिबरेट कर रहा है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो डेल्टा एच इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या, सराउंडिंग से हीट ली जा रही है, सराउंडिंग से हीट जा रही है, सिस्टम की जो है एनर्जी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। वही साइन कन्वेंशन जो हमने हीट के लिए बात की थी, वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे, अगर सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में अगर हीट दी जा रही है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव, अगर सिस्टम में से हीट निकल रही है तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। इसीलिए डेल्टा एच, अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच जो होता है नेगेटिव होता है, और सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बेसिक बातें हो गई और ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, किसकी, एंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करें, तो मैथमेटिकली डेफिनेशन है कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क इज नोन एज एंथैल्पी। पीवी वर्क हमने अभी कैलकुलेट करना सीख लिया है। इंटरनल एनर्जी मतलब जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है और उसका पीवी वर्क है, उन दोनों का सम कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, एंथैल्पी आती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। यू यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी, पीवी वर्क ये प्लस कर दिया तो ये क्या आ गई, एंथैल्पी में आ गया। अब नेक्स्ट बात, वही इंटरनल एनर्जी के लिए जो बात की थी वही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H यानी कि एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही डिटरमाइन नहीं की जा सकती है तो एंथैल्पी भी डिटरमाइन नहीं हो सकती है, लेकिन एंथैल्पी में चेंज जो है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे चेंज डिटरमाइन करेंगे, इसी फॉर्मूला से करो, देखो अगर दोनों तरफ हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा एच प्लस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा इनटू पीवी, ये आ गया। अब पी और वी जो है दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई किस तरह से होगा, ये वाला फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, पी कांस्टेंट है तो पी इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा जो है पी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा पी, ठीक है, तो डेल्टा जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर की टर्म तो इसमें है नहीं, टेम्परेचर की टर्म हमें लानी पड़ेगी, वो कहाँ से लाएंगे, इस गैस इक्वेशन में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से पी डेल्टा बी कर दें, अगर सपोज पी डेल्टा बी कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एन आर टी। अब ये डेल्टा एन जो है वो गैस के मोल्स में चेंज है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा बी की जगह, देखो यहाँ पी डेल्टा बी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। क्लियर है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें लिख के आपको दी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिख के दी हुई हैं। अच्छा, डेल्टा एच जो होता है वो भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, क्यू इज द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, एच इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इस एंथैल्पी की वैल्यू इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बता दी। क्लियर है, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक नेक्स्ट टर्म आती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो साइज मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मैटर के साइज के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी जो साइज और क्वांटिटी के से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल मैं बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर मैं बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर मैंने लिया सपोज 1 लीटर वाटर लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कहूँ नहीं आप 100 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, वो भी कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर चाहे कितना ही हो वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होगा 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पर। ठीक है, 1 एटमोस्फेयर प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, वो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि 1 लीटर लिया 1 किलोग्राम लिया या 100 लीटर लिया 10,000 लीटर लिया, कितना भी अमाउंट ले लो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो इसके मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी हीट कैपेसिटी और आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सभी क्या है मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि मैटर के साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मास जो है ना, मास जो है वो क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया जाए या फिर पर यूनिट मास कर दिया जाए, तो इफ एन इज द अमाउंट ऑफ मैटर देन एक्स एम इक्वल टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द मैटर। मतलब अगर हम किसी भी चीज को पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल्स कर देते हैं, है ना, पर यूनिट कर देते हैं, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इंटरनल एनर्जी जो है वो तो क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट पर मोल जो है वो कैसे हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो इसके मैटर के साइज मैटर और साइज के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम बोलें मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी पर मोल की बात करें, तो ये कैसी हो जाएगी, हीट कैपेसिटी पर मोल जिसको हम CM से लिखते हैं, वो कैसी हो जाएगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे टेम्परेचर जो होता है वो कैसी है आपकी, टेम्परेचर इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर का अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, है ना, टेम्परेचर का मास, लेकिन हीट जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मास से इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन जो हीट जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है वो है आपका हीट कैपेसिटी समझो, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैंने पूरा डिटेल में करके लिखा है, उससे मैं समझाऊंगा आपको, वही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार इसको मैंने जो डिटेल में लिखा है उससे आपको समझ लीजिए। देखो, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी आप बोल सकते हो। मतलब यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज ये वाटर है, सपोज वाटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है। इस वाटर का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इस हीट को ही हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी सी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है,
इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका है, जैसे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और सपोज इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतनी हीट चेंज में सपोज ऐसे मैं रैंडमली मान लेता हूँ कि 100 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसकी हीट कैपेसिटी मतलब 10 डिग्री सेल्सियस 20 से 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करने के लिए 100 किलो जूल का रिक्वायरमेंट हुई, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी कि जो हीट इसमें लगी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर चेंज कितना आया, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस का आया, तो इसका हीट कैपेसिटी आई 10 किलो जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, हीट कैपेसिटी आई, क्लियर है, समझ में आया। तो हीट कैपेसिटी जो होगी इस तरह से हम कर सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही तो मैंने किया, डेल्टा क्यू माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, पहली टर्म समझ में आ गई आपको हीट कैपेसिटी। दूसरी टर्म है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, इसको कैपिटल सी एम से डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस बाई वन डिग्री सेल्सियस, मतलब अब जो ये सब्सटेंस जो लिया है ना वो ऐसे रैंडम नहीं लेना, कितना भी नहीं लेना, हमें कितना लेना है, अगर इस ये सब्सटेंस वन मोल कर दिया, वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर वन डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तीसरी जो टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस लेना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जो 1 मोल नहीं लेना है इसकी जगह हम क्या ले लें, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी ये वाला, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें कैसे हम निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोल से इक्वल टू क्या होता है, ध्यान है क्या आपको, मोल का फॉर्मूला, मोल इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ना, या मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है मोल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। अच्छा, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, यही होगा, मास इक्वल टू क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। अगर मैं बात करूं यहां पे सीएम मैंने लिखा है, सीएम का मतलब है यहां पे सीएम का मतलब है क्या, सी डिवाइडेड बाय एन, और यहां पे हमने क्या कर दिया, ये मोल डिवाइडेड बाय एन कर दिया, तो यहाँ मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि 1 ग्राम के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एम डब्ल्यू यानी कि मोलर मास है, एम डब्ल्यू क्या है, मोलर मास या मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल किया था, वहाँ यहाँ पे क्या कर देंगे, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में अगर रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में रिलेशन कैसे निकालेंगे, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी, इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये। चलिए आगे बात करते हैं, तो अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी हो, देखो यहाँ पे Q की वैल्यू, अगर यहाँ से मैं बात करूँ डेल्टा Q की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, C डेल्टा T, ये लिखूँगा C डेल्टा T, ये स्पेसिफिक ही, ये तो हीट कैपेसिटी है, अब इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, M इंटू C, डेल्टा Q इक्वल टू M और इसको क्या लिखूँगा, M इंटू स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये आ जाएगी, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अगर ये हीट में चेंज की बात कर रहे हैं और अगर सिर्फ हीट की बात करें कि कितनी हीट दी गई या कितना हीट लिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू ये वाली बात आ गई यहाँ पर, सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम मास है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, और यहाँ पे कैपिटल सी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, आपको ये सारी की सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी जो है वो दो तरह से हम निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हम बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है उसको सी वी लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है उसको सी पी लिखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे समझ में आ गया। चलिए, दो टर्म मैंने आपको पहले बताई थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट जो दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है वो एंथैल्पी में चेंज के बराबर दी जाती है। यही है। अब इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे है, इसी इक्वेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखते हैं। देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूँ क्यू वी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो हम कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है इसको कैसे लिखेंगे, सी वी डेल्टा टी, इस तरह से लिखेंगे। और ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू के इक्वल होगी। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट दी गई है उसको स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में लिखें तो सी पी डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगी, डेल्टा एच के बराबर होगी। कोई नई चीज़ है क्या, वही सारे के सारे फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, वही सारे के सारे फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। आगे बात करते हैं, अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी कैन बी डेराइव फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर ए मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी, जो अभी हमने मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, इसी फॉर्मूला को कैसे बताया था, देखो एच जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, दोनों साइड में हमने क्या किया, डेल्टा किया था, तो डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, और पी डेल्टा वी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर मैं एन इक्वल टू वन भी ले लेता हूँ तो मैं लिखता हूँ आर टी, तो पी वी की जगह यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, चलो है ना, पी वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर टी, ऐसे लिख सकते हैं, और डेल्टा आर टी लिख दिया, ठीक है। आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा, सॉरी टी नहीं, आर डेल्टा टी, आर डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं, आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, देखना यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू ये डेल्टा एच की वैल्यू सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी जो है दोनों तरफ से कॉमन निकाल देते हैं, डेल्टा टी जो है वो कॉमन निकाला तो क्या आया, सी पी आया, और यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन निकाला, सी बी प्लस आर आया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, या फिर हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो ये सी पी और सी वी में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, देखो यहाँ पे ये ही निकला हुआ है। आर क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये एच और आर, एच यू और सी वी सी पी, इनमें वो हैं रिलेशंस हैं, और ये सारे के सारे रिलेशंस वहीं से आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी। अब ये तो हमारे पास आ गए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में, हमने बात कर ली, और उसके बेसिस पे हीट कैपेसिटी के फॉर्म में भी इनके फॉर्मूला लिख दिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलोरीमेट्री से प्रैक्टिकली, है ना, ये है एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली जो है, एक्सपेरिमेंटली आप किस तरह से निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है या फिर एंथैल्पी में चेंज है, इसको प्रैक्टिकली कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिकली निकालने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में क्या होता है, बहुत बड़ा सिंपल सा है, देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ, यहाँ पे ही समझा देता हूँ, ये कैलोरीमेट्री है, ठीक है। अब वही चीज़ ध्यान, वही चीज़ रखना है कि देखो भाई डेल्टा यू जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, आपका हीट जो दी जाएगी उसको हम डेल्टा यू बोलते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम का एक हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कंटेनर लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अंदर के साइड में एक, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्री, जो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्री। बॉम्ब कैलोरीमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बॉम्ब,
ठीक है। बॉम्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ये वाला जो है पार्ट ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। तो अगर इसके अंदर कोई रिएक्शन करवाएंगे, जो भी ये सब्सटेंस लिया और इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे, या यूँ कहें कि ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, रिएक्शन भी कराना है, ऑक्सीजन में बर्न करना है, ठीक है, तो इसका स्टेनलेस स्टील जो है इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो है वॉल्यूम में, हमें फिक्स वॉल्यूम का एक बॉम्ब या फिर एक कंटेनर लेना होता है। अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो हमें करवाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, नोन अमाउंट में, मतलब जो इसके अंदर भर रहे हैं वाटर, उसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स लिया जाता है, फिक्स लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और यहाँ पे जो भी हीट प्रोड्यूस होगी इसके थ्रू वो किस में चली जाएगी, वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर का टेम्परेचर राइज कितना हुआ, वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, इसको हमें मेजर कर लेना है। और इसको मेजर करने के बाद में, इसको मेजर करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यूज़ करना है, देखो लिखा नहीं, हीट कैपेसिटी जो है वो होगी, सॉरी हीट कैपेसिटी नहीं, एन, जो क्यू की, क्यू वी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सी वी डेल्टा टी, यही होगी सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ से जो हीट रिलीज होगी, अगर हमारे पास सी वी की वैल्यू पता है, टेम्परेचर चेंज जो हुआ इस वाटर का वो हमने डेल्टा टी यहाँ पे मेजर कर लिया, तो क्यू वी जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, कितनी हीट इसने रिलीज की, वो हीट का अमाउंट हमें पता चल जाएगा। और जो हीट जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वही क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस बॉम्ब कैलोरीमेट्री की हेल्प से इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो मेजर कर सकते हैं, किस तरह से, इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से। मेन तो यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब मेजर कर लेते हैं। समझ में आया, इसको चाहें तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यही सारी चीजें दे रखी हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज जो है उसको कैसे मेजर करते हैं। अब एंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्यू पी जो होगा वो क्या होगा, सी पी डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे आसान हो गया, हमें अब वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इसके लिए सिंपल सा कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये फोम या स्टायरीन कप जो होता है ना, आपने शादी ब्याह में देखा होगा, कॉफ़ी कप जो होते हैं ना, जो फोम के से बने होते हैं, वैसा ये कप लिया जाता है, और इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। ओपन करने का मतलब है कि इस पर कॉन्स्टेंट प्रेशर, वन एटमोसफेयर प्रेशर लग रहा है। अब इसमें इसको हाफ फिल करके इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, और रिएक्शन करने के बाद में इसमें टेम्परेचर डायरेक्टली थर्मामीटर डाल देते हैं, कितना टेम्परेचर चेंज आया, तो टेम्परेचर चेंज मल्टीप्लाई बाई सी पी, जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे क्या जाती है, हीट निकल के आ जाती है। कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वही क्या होती है, आपका डेल्टा एच यानी कि एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी में चेंज होता है। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, और सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो एक्सपेरिमेंटल जो बातें हैं वो आप इजीली समझ पाते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़े हैं वही फॉर्मूला आपके यूज होने वाले हैं, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी चेंज, है ना, इन वेरियस रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस में एंथैल्पी चेंज जो है, डेल्टा एच जो है, उसको किस तरह से मेजर करेंगे, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कॉमेंट्स सभी मैं पढ़ता हूँ, और कोशिश करूँगा आपके कॉमेंट्स का आंसर भी करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।